गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पापा आवाज कम करिए। चलिए सर, 6-7 स्टूडेंट है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए अभी आज मैं असाइनमेंट डील नहीं कर रहा हूँ। उस असाइनमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जैसे एल आपने सुना नहीं होगा पहले, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस तो सुना था मगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कहीं नहीं सुना था, ठीक है। तो हम लोग आज जो ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी, पहले कुछ उन चीज़ों को डील कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे, राइट। तो ये चीज जो मैं आज बताऊंगा वो आज नोट्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप अगर कॉपी पेन अगर नहीं है आपके पास तो आप साथ में रख लो, जो चीजें कुछ कुछ बताऊंगा वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और ये नोट्स में दी हुई नहीं है। तो अगर कॉपी पेन किसी के पास नहीं है तो रख लीजिए, आज जो बताऊंगा वो नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए दो लोग और आ रहे हैं, एडमिट करने दीजिए, आने दीजिए, इसके बाद देखते हैं। ओके राइट। चलो सबसे पहले जो हम लोग डील करते हैं वो हम लोग डील करते हैं चार्ज को, क्यू को, ठीक है। देखो जब आप लोग एक सिंपल सी चीज नोटिस करो कि अगर फैन ऑफ करते हो घर पे, तो फैन ऑफ करने स्विच ऑफ करने के बाद भी घूमता रहता है, राइट। तुरंत इंस्टेंटली बंद होता है क्या? नहीं, इंस्टेंटली बंद नहीं होता। आप स्विच ऑन भी करते हो तो स्विच ऑन करने के बाद भी उसको थोड़ा फुल स्पीड में आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें एक एकदम छोटा सा, आप देखो कभी फैन घर पे उतरेगा या कभी, तो देखना एक सिलेंडर टाइप का होता है। वो सिलेंडर टाइप का क्या होता है कि उसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर, कंडेंसर आपने सुना होगा घर पे, अगर कोई आया होगा फैन वैन ठीक करने इलेक्ट्रीशियन वगैरह, तो सुना होगा कि कंडेंसर खराब हो गया, कैपेसिटर खराब हो गया, ठीक है। कि अगर फैन कभी कभी स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है तो आता है इलेक्ट्रीशियन बोलता है कंडेंसर खराब हो गया है, बदल दीजिए ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वो कंडेंसर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटर एंड कंडेंसर, कैपेसिटर एंड कंडेंसर बोथ आर सेम, ठीक है। तो कैपेसिटर है, कंडेंसर है, दोनों का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना। अब वो चार्ज कैसे स्टोर करके रखता है, तो चार्ज स्टोर करके रखता है, जैसे ही आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि लाइट जाने के बाद भी वो घूम रहा है, तो उसमें चार्ज कहाँ से आ रहा है, वो घूम रहा है, दैट मीन्स कि उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। तो करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट फ्लो कहाँ से कर रहा होगा, तो करंट फ्लो कर रहा होगा यानी कि वो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो कैपेसिटर में ऑलरेडी स्टोर्ड था, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस हुज फंक्शन इज टू स्टोर चार्ज, ये लिख लीजिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस हुज फंक्शन इज टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटर इज अ डिवाइस हुज फंक्शन इज टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो अब चार्ज को ये जो है स्टोर कर रहा है, तो चार्ज को स्टोर जब करेगा तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही चार्ज स्टोर करेगा, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है 10th में, ठीक है। तो चार्ज स्टोर करने पे उसमें करंट आएगा, और करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो हम लोगों ने जब देखा इसमें, तो आगे क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे कि क्यू जो है यहाँ पे, ये क्यू प्रोपोर्शनल होता है वी के। अब बोलोगे क्यू क्या है, वी क्या है, तो क्यू इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्यू इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे आता है इक्वल टू सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी, ठीक है। याद रखने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। पुराने टाइम में एक, अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो उनको श्रीलंका का एक क्रिकेटर होगा चबिंडावास, ठीक है, कभी सर्च कीजिएगा, श्रीलंका का एक क्रिकेटर है चबिंडावास, तो उनके नाम पे ये याद रख सकते हैं आप, चार्ज इक्वल टू चबिंडावास, चबिंडावास यानी कि सीवी, सी यानी कि कैपेसिटेंस और वी इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से आ गया क्यू इज इक्वल टू सीवी, और सी क्या है, तो सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, सी इज कैपेसिटेंस, सी ए पी ए सी आई टी ए एन सी कैपेसिटेंस, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस। चलो अब यहां से आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला आपके पास मिल गया, इसको लिख लीजिएगा, कैपेसिटर के नीचे जहां पे लिखवाया है वो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप C लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो कि यहां से जब लिखोगे C, तो C इक्वल्स टू आप लिखोगे C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, C का डायमेंशन चाहिए, तो C का डायमेंशन चाहिए, यूनिट चाहिए, और ये चार्ज बाई फैराड, तो देखो तो कुल ऊपर क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वन कूलम, और आपने पढ़ रखा है वोल्टेज का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट कितना होता है, वन वोल्ट, वन वोल्ट, तो जो ये बराबर आएगा इसको बोलते हैं हम लोग वन फैराड, फैराड यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट, ठीक है, चार्ज का वन कूलम और वोल्टेज का वन वोल्ट, तो आ गया कितना, वन फैराड, किसका यूनिट होता है ये, कैपेसिटेंस का, सी, ठीक है, ये सी कैपेसिटेंस नहीं है, दिस सी स्मॉल सी जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस स्मॉल सी इज कूलम, ठीक है, एंड दिस कैपिटल सी इज कैपेसिटेंस, तो यहां से आ गया। अब हम लोग को निकालना है डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन निकालना है, तो चार्ज जो होता है, देखो कैसे कैसे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे आएगा कि C आपको दिया हुआ है, तो C आप Q लिख सकते हो, Q equals to IT, ये भी आपने टेंथ में पढ़ा रखा है, Q equals to IT, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो यहां से V आ गया, तो देखो V आ गया, इससे मैं आपको यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ V की का डायमेंशन निकाल ले और I का डायमेंशन निकाल ले, ठीक है, I का तो पता है आपको एम्पियर, करंट का एम्पियर लेते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी वहां पुट कर दें। दूसरा आपने टेंथ में एक और चीज पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इनटू V पढ़े थे। अब यहां से देखो V निकाल लो, यहां से V निकाल लोगे तो V निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई Q। अब इस वर्क डन बाई Q को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पुट कर दे रहा हूं V की जगह पे, तो देखो तो V का यहां पे जब पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, I T, और नीचे V है, तो नीचे V है तो नीचे V लिखोगे तो यहां पे क्या करोगे, V की वैल्यू पुट करेंगे तो W नीचे आ जाएगा और Q I T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखो Q ये है ना, तो Q यहाँ पे है, तो Q जो है वो उसको फिर से लिख सकते हो आप I T, तो फिर से लिखोगे I T तो फाइनल आपका इक्वेशन क्या आएगा, I स्क्वायर T स्क्वायर बाई वर्क डन, ठीक है, ये आपका फाइनल आ गया इक्वेशन यहाँ पे, आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डब्ल्यू वर्क डन। और वर्क डन का आपको मैंने पहले ही बताया था, वर्क डन का आपको डायमेंशन याद रखना है कि वो क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन एनर्जी, किसी भी टाइप का वर्क डन, किसी भी टाइप का एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये W आ गया, I स्क्वायर आ गया, T स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो
तो आप करंट का पुट करोगे, करंट का डायमेंशन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। टाइम का डायमेंशन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और नीचे वर्क डन, तो वर्क डन का डायमेंशन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू, ठीक है। और अगर आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो सी का डायमेंशन होगा वो आएगा क्या, एम का पावर माइनस वन एल का पावर माइनस टू ए का पावर टू और टी का पावर फोर। क्यों फोर, क्योंकि ये माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर। तो दिस वाज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस जो आपको याद रखना है, ठीक है। सबको क्लियर यहां तक, अगर सबको क्लियर है तो चैट में एक बार यस लिखे सब। ओके चलो ठीक है, चलिए ओके वंस मोर। चलो ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Q equals to CV है, Q equals to CV में बस हम लोगों ने C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एग्जांपल बताया कि फैन में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। Q equals to CV बोलते हैं, फिर C equals to क्या हो जाएगा यहाँ से, QV। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो फेराड होता है, फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसका एक स्मॉलर यूनिट भी होता है माइक्रो फेराड, जो आपको बताया था कि 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। फिर C equals to क्या हो गया, क्यू रहता है, क्यू आई टी हो गया, तो आई टी यहाँ पे लिख दो आप आई टी बाई वी, ठीक है। तो आई टी बाई वी क्यू की वैल्यू पुट कर दी आई टी, और नीचे वी है और वी का वैल्यू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बाई क्यू पुट कर दिया, क्यू ऊपर चला गया तो आ गया क्यू आई टी, और क्यू का वैल्यू फिर से पुट किया आई टी, तो हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई वर्क डन। और आई का डायमेंशन आपको पता है ए स्क्वायर, टी का डायमेंशन आपको पता है तो टी टी का स्क्वायर, नीचे वर्क डन, तो वर्क डन हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ये कैपेसिटेंस का आपका टोटल फाइनल डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। सब इसको कॉपी कर लीजिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए, ये सब इसको बोर्ड से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा, ये जो मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे वो आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। बट स्टिल आप लिख लो एक बार ताकि आपको याद हो जाए चीजें। चलो मैं इसका थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे प्रोसीड करके मैं आपको बहुत एक छोटा सा, मान लो यहाँ पे C का डायमेंशन आपने निकाल लिया, ठीक है। अब C का डायमेंशन आपने निकाल लिया, आपको अब हम लोग एक नया बोर्ड करते हैं और उसमें हम लोग R का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। देखो अभी आपके पास था वहां पे, ठीक है, V equals to IR, ये तो आपने सबने पढ़ रखा है ओम्स लॉ, ठीक है, V equals to IR। बट क्या ये एक्चुअली ओम्स लॉ होता है, नहीं, ये ओम्स लॉ नहीं होता है, इसको ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि आप कंडीशन नहीं बताओ, वहां आपको कंडीशन बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर और किस पे, स्ट्रेस प्रेशर, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कि V प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ ने ये बोला था कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, कब प्रोपोर्शनल होता है, जब कि कंडीशन हो कि टेम्परेचर चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, और इसको ओम्स लॉ आप बोल सकते हो, और जब आप कंडीशन मैनेज करो,
अगर आप कभी भी वाइवा में बोलोगे, आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो यू हैव टू टेल द स्टेटमेंट, नॉट वी इक्वल्स टू आई आर. अगर वाइवा में आपने बोला वी इज इक्वल्स टू आई आर, देन जो एग्जामिनर होगा, एक्सटर्नल होगा, वो तुरंत ही रॉन्ग बोल देगा. ठीक है, अगर क्लास के टीचर होंगे तो वो मान लेंगे, ठीक है चलो वी इज इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि उन्होंने बताया है, उनको पता है. बट स्टिल अगर एग्जामिनर बाहर से आता है, एक्सटर्नल बाहर से आता है और उसने ओम्स लॉ पूछ दिया, तो अगर आप वी इक्वल्स टू आई आर बोलोगे तो वो आपको बोलेगा कि ये ओम्स लॉ नहीं है. ठीक है, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर कंडीशन दिया हुआ हो, कि टेम्परेचर प्रेशर ये चेंज ना हो, तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है. तो देन वी इज प्रोपोर्शनल टू आई व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर स्ट्रेस रिमेन सेम, वो आपका ओम्स लॉ होता है. ठीक है, राइट. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है. नाउ v इक्वल्स टू आई आर आ गया, यहाँ से हमको निकालना है r का डायमेंशन. ठीक है, यूनिट तो सबको पता है कि ओम्स होता है, ओम होता है. तो r इक्वल्स टू हो गया v अपॉन i. ठीक है, और यहाँ से देखो आप ऑलरेडी v का लिख चुके हो, v का क्या लिखे हो, w बाई क्यू. तो फिर से यहाँ पे v का पुट करेंगे, v का पुट करेंगे तो w बाई i और क्या q. ठीक है, excuse me, अब यहाँ पे क्या हो गया w बाई q. q आपको ऑलरेडी पता है it, तो q पता है it, तो क्या हो जाएगा w बाई i. ठीक है, और यहाँ पे i स्क्वायर t हो जाएगा, क्योंकि q इज इक्वल टू क्या होता है it होता है. ठीक है, और फिर यहाँ से r का डायमेंशन आपको निकालना है, तो वर्क डन का आपको पता है, वर्क डन का क्या m l 2 t का पावर माइनस 2. ठीक है, नीचे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर आपका यानी कि एम्पियर का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम. ठीक है, तो फाइनल जो आपका आर का डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर यहाँ पे. ठीक है गोविंद, सही बताया आपने, टी का पावर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ये ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ टी का पावर माइनस 3 हो जाएगा और के का पावर 2. ठीक है, चलो मैक्सिमम लोग इसी से डायमेंशन निकालते हैं. ठीक है, बट मैं एक तरीका नहीं दो तरीका बताता हूँ, ताकि आप एग्जाम में भूलो नहीं. ठीक है, मैक्सिमम जब भी आपको, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, आर का डायमेंशन निकालने के टाइम आपको एक ही चीज याद आएगा, अच्छा वी इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी था. ठीक है, तो सबसे पहला आर का डायमेंशन में आप फंसोगे वी इक्वल्स टू आई आर में, मगर हम इस मेथड से निकालेंगे नहीं. गलत नहीं है ये मेथड, मेथड इज करेक्ट, बट दिस मेथड इज लेंथी. ठीक है, दिस मेथड इज वेरी वेरी लेंथी, तो आप इसको लिख लो, मगर मैं एक और मेथड बताऊंगा उससे तुरंत निकलेगा. इसको लिखो पहले, इसको लिख लो सर. और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डायमेंशन लिखिएगा उसमें बिगर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, वरना समझ ही नहीं आएगा कि वो डायमेंशन है. ठीक है, जब भी रेसिस्टेंस होगा तो उसमें आप वहां पे बिगर ब्रैकेट आप जरूर लगाओ, ताकि क्लियर रहे आपको कि अच्छा वो रेसिस्टेंस है. चलो यहाँ से आर हो गया और यहाँ से सी हो गया. अभी हमने आर का एक और तरीका हम लोगों को देखना है. ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करके अभी वापस से एक दूसरे तरीके पे आता हूँ. आपने ये चीज देखा, तो एक तरीका आपके पास और भी है. कौन सा है, याद करो इक्वेशन आपने एक और पढ़ा है, h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ पढ़ा है ना, h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ. तो यहां से देखो तो हम लोग नहीं लिख सकते क्या कि r इक्वल्स टू h अपॉन
आई स्क्वायर टी हो जाएगा ना, जूल्स लॉ से। अब एच क्या था, तो एच था हीट एनर्जी, और मैं पहले से बार बार मेंशन करते आ रहा हूं कोई भी टाइप का एनर्जी हो सबका डायमेंशन सेम, और सबका डायमेंशन कोई भी टाइप का हीट एनर्जी उसका डायमेंशन, कोई भी टाइप का वर्क उसका डायमेंशन सेम होगा, बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन, हीट एनर्जी, सारी का डायमेंशन सेम। और सारी का डायमेंशन कितना, ML2 T minus 2। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आपका, यहाँ पे लिखोगे तो एम एल टू टी, देखो टी का पावर माइनस टू ऊपर और ये टी नीचे से जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री, और नीचे क्या करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो देखो वो छोटे मेथड से जो पुराना मेथड था हमारा उससे दो स्टेप इसमें डिक्रीज हो गए, ठीक है, दो से तीन स्टेप इसमें घट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको रेसिस्टेंस का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो हमेशा आप लोग क्या यूज करोगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने देख लिया क्या क्या, रेसिस्टेंस देख लिया, कैपेसिटेंस देख लिया, और अब देखना है एक लास्ट बचा हुआ है इंडक्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडक्टेंस क्या होता है और वो क्या करता है, ठीक है। देखो इंडक्टर लिख लीजिए एक स्टेटमेंट, इंडक्टर आई एन डी यू सी टी ओ आर, I-N-D-U-C-T-O-R, inductor. It is a device which stores energy in magnetic form. It is a device which stores energy in magnetic form. ठीक है, अब देखिए इसमें आपका एनर्जी जो है वो स्टोर होता है, कैसे एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो स्टोर होगा यहाँ पे एनर्जी, तो हम लोग लिखते हैं, हाँ गोविंद ठीक स्टेटमेंट आपने बताया, U is equals to half L I square होता है, ठीक है, U is equals to half L I square, ठीक है। I क्या है यहाँ पे, I is current and L is inductance, ठीक है, L को हम लोग बोलते हैं L is equals to inductance, okay? I N C inductance, okay? अब U क्या है, तो U है आपका मैग्नेटिक एनर्जी, I क्या है, I है आपका करंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है, तो आपने देखा होगा कि कॉइल्स, जब भी आपने सोलेनोइड देखा, टेंथ में आपने सोलेनोइड पढ़ा, तो सोलेनोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोलेनोइड का कुछ स्ट्रक्चर सही से मैं बोर्ड पे भी बना नहीं पाऊंगा, बट स्टिल आप कंसिडर कर सकते हो कुछ ऐसा सोलेनोइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये सोलेनोइड का स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, सोलेनोइड ही समझ लो एक तरह से इंडक्टर, ठीक है। इसमें जैसे ही करंट जाता था, तो आप क्या देखते थे कि आई करंट आप इससे भेजते थे, तो आई करंट से भेजने के बाद ये बिहेव करता था मैग्नेट की तरह, ठीक है, और इसमें कुछ मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती थी, ठीक है, क्योंकि आप इसके सामने कोई दूसरा मैग्नेट लाते हो तो वो या तो अट्रैक्ट करता या रिपेल करता, याद करो आपको यहाँ इस साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों साइड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता था जो आपने टेंथ में पढ़ रखा है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो एनर्जी स्टोर को हम लोग बोलते हैं कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। हाँ विपुल बताइए, कोई डाउट है आपको, हैंड रेस किया आपने? नो सर। ओके चलो तो मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई नहीं, चलो। तो यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर आया। अब यहाँ से यू क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यू इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर।
तो यहाँ से आपको चाहिए एल का डायमेंशन, मान लो तो एल का डायमेंशन चाहिए, तो एल का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? एल का डायमेंशन विल बी यहाँ पे यू, डायमेंशन ऑफ यू अपॉन आई स्क्वायर, अपॉन डायमेंशन ऑफ आई स्क्वायर. अब आप बोलोगे कि सर टू कहाँ गायब हो गया, तो याद रखो कि डायमेंशन जब लेते हैं तो डायमेंशन में सारे नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हमने बिगर ब्रैकेट ले लिया, बिगर ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन, और नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई डायमेंशन नहीं होता, लॉगरिथमिक वैल्यूज का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता. एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि 2 का पावर x, e का पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log 3, log 4, log 7, log x, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. वो सब आगे जाके बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सारी चीजें, तो उसमें हम लोग डील करेंगे. यहाँ पे आ गया यू बाई आई स्क्वायर. तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन आपको फिर से पता है क्या, एम एल टू टी का पावर माइनस टू अपॉन एम्पियर का स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनल जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू ए का पावर माइनस. ये था आपका हमारा तीनों, आज का हमने तीनों चीजें देखी, इंडक्टेंस का देखा, कैपेसिटेंस का देखा और रेसिस्टेंस का देखा, आर का देखा, एल सी और आर. अब इस तीन का यूज करके आपको तीन चार क्वेश्चन दिए असाइनमेंट जो आपसे अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. सॉल्व तो पहले भी हो जाते क्योंकि मैंने उसके डायमेंशंस आपको आपके नोट्स में दिया हुआ है. अगर आपने नोट्स, जिन्होंने कुछ लोगों ने सबमिट किया है, हंजनी अंशु और प्रियांशु ने सबमिट किया है, तो उन्होंने असाइनमेंट में जो नोट्स दिया था उसमें ढूंढ करके ही बनाया होगा. तो आप लोग, बाकी लोग नालायक है, नालायक नहीं महानालायक है कि आप लोग जरा सा भी नोट्स ढूंढने का कोशिश नहीं की. आपके नोट्स जो मैंने दिया था उस नोट्स में ये तीनों चीजें दी हुई है, आप एक बार ढूंढना. ठीक है, नोट्स में तीनों दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको वो दिया हुआ है, तो वहां दिया हुआ है वहां पे गोविंद. ठीक है, बस डायमेंशन दिया हुआ, ये सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये नहीं दिया हुआ, बस डायरेक्ट डायमेंशन लिखा हुआ हो. ठीक है, बनाए हैं तो सबमिट क्यों नहीं किए गोविंद? आपको सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है, सबमिट नहीं करोगे तो मुझे भगवान आकर के सपना देगा कि गोविंद ने बना लिया है. गोविंद भगवान है, कृष्ण भगवान आके सपना देंगे कि गोविंद ने असाइनमेंट बना लिया है, तो आप उसको मत बोलिए कुछ. ऐसा है क्या? तो बना करके प्रॉपर बना करके रफ जैसा बना है, प्रॉपर बना के सबमिट करना है विद आंसर्स. ठीक है, जो भी है मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर बना करके सबमिट कीजिएगा सारे कोई असाइनमेंट. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इंडक्टेंस ये आ गया आपका, तो ये चीजें आपकी हो गई. आप ये सब ने नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं. अब आपको दो तीन चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ अभी. ये क्वेश्चन जो है ना, हर कंपटीशन, हर अल्टरनेटिव जो है कंपटीशन में, छोटे छोटे कंपटीशन में पूछते हैं. ठीक है, कोई भी कंपटीशन लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो. ठीक है, अगर हम लोग एक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते ही देते हैं. ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं. देखो सबसे पहला जो अभी आते हैं वो बहुत आसान वाली चीज पे आएंगे. सबसे पहले C से रिलेटेड चीजें आएंगे. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि CQ equals to CV, Q equals to चमिंडावास, चमिंडावास यानी कि C equals to Q by V. ठीक है, तो C equals to वहां पे क्या हो जाएगा, C equals to Q by V. C equals to Q by V. देखो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, हम लोग फॉर्मूला कंसिडर नहीं करते. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की. तो जब डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, तो डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो तो जरा सा, कि डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू. क्यू का डायमेंशन अगर हम लोग लिखे, देखो क्यू का डायमेंशन हम लोग यहाँ पे
और नीचे किसका डायमेंशन, V का डायमेंशन, ठीक है। और Q का डायमेंशन आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पे IT लिख सकते हैं क्या, देखो तो Q का फॉर्मूला पता है ना। और नीचे अगर डायमेंशन, अभी मैं सब में डायमेंशन लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। नीचे V है तो V इक्वल टू आपने एक और पढ़ लिया, I इंटू R पढ़ा था। अब देखो डायमेंशन से I का डायमेंशन और I का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ किसका डायमेंशन, T का डायमेंशन, और नीचे बचेगा R का डायमेंशन। तो ये R का डायमेंशन अगर इधर चला जाएगा तो देखो तो इधर लिख सकते हैं C इंटू R का डायमेंशन किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ T के बराबर हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ T का बराबर यानी कि टाइम कांस्टेंट CR को यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ CR जो एक किसी एक में आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसी से देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनेगी क्वेश्चंस कि अब कभी कभी आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकाल, तो फ्रीक्वेंसी का किसके बराबर है, तो जब सी आर का सोचो कि सी इंटू आर जो आ रहा है, ठीक है, तो सी इंटू आर आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के बराबर। तो अगर हम लोग 1/CR करते तो क्या 1/T नहीं हो जाए, 1/T यानी कि 1/सेकंड पर सेकंड, और पर सेकंड ही आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1/CR का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे CR का डायमेंशन निकाल लिया। अब देखो अभी मैंने आपको निकल, हाँ प्रियांशु बोलिए क्या डाउट है सर। यहाँ 1/CR का डायमेंशन क्या बोले, 1/CR का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। क्लियर प्रियांशु, आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो प्रियांशु, आवाज आ रही है आपको? हाँ तो आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए कुछ। 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। हाँ तो 1/CR किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर। क्लियर, यस। चलो ओके, तो यहाँ पे एक हमारा ये चीज क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आज चंदन, हाँ चंदन बोलिए क्या डाउट है, चंदन आवाज आ रही है आपको? हेलो, कुछ नहीं सर, दबा गए तो कुछ नहीं। हाँ तो हैंड रेज करना का मतलब, करने का मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो जिनको क्वेश्चन डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस पे सिमिलरली आपको क्या होगा, सिमिलरली आपको L/R का निकालना है, ठीक है। L/R का एक्सक्यूज मी, अब L/R का जरा सा तुरंत निकाल के बताइए तो क्या आ रहा है, सब कोई कॉपी में, L आपका कॉपी में निकला हुआ है, R आपका कॉपी में निकला हुआ है, L/R का तुरंत से बताइए, सब कोई चैट में बताना है कि L/R का क्या आएगा डायमेंशन। ऑप्शन मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ L/R का पूछ रहा हूँ कि L/R का क्या आएगा, टाइम के बराबर या क्या आएगा, मैं वो क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल।
टी टी चलिए ठीक है, सबका आ रहा है टी, गुड। चार लोगों का आया है अभी तक, एक दो तीन चार, बाकी लोग चलो ठीक है, पांच छह ओके चलो ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए अभी अभी ठीक है कि L by R का डायमेंशन T के बराबर है, क्योंकि आपने दोनों को डिवाइड किया है, तो दोनों को डिवाइड किया है तो इसमें आपका L by R का आ गया टाइम के बराबर। तो देखो L by R का डायमेंशन, C R का डायमेंशन, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है और दोनों को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है, दोनों को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, और ये 12th में पढ़ना है, मैं 12th का पार्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पूरा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसी तरह जो होमवर्क में दिया है वो एक निकालना है रूट अंडर एल सी, आप रूट अंडर एल सी का निकालना, ठीक है, वन बाई रूट अंडर एल सी का या फिर रूट अंडर एल सी का होमवर्क दिया हुआ होगा, ठीक है, फिर L by R हो गया, C by R हो गया, L C का भी निकालना है आपको, और इसी के बेसिस पे मैंने तीन चार क्वेश्चन दिए थे जो आपको करने हैं कम्प्लीटली, और अब आपका वो असाइनमेंट यहाँ से डील हो जाएगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे और भी चीज़ों के डायमेंशन है इम्पॉर्टेंट जो आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो डील करूँगा, फिलहाल आज का क्लास अभी फिलहाल यहीं तक रहेगा। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सभी को असाइनमेंट बना करके सबमिट करना कंपलसरी है। हाँ गोविंद बोलिए, गोविंद आवाज आ रहा है आपको? रिचर्डसन इक्वेशन, अभी रिचर्डसन इक्वेशन पे नहीं, वो रिचर्डसन इक्वेशन मैं नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट डील करूंगा तो मैं डील कर दूंगा, ठीक है। गोविंद आपने हैंड रेज किया है, आपको कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में असाइनमेंट डील करूंगा, मैं असाइनमेंट जब डील करूंगा नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट ही डील होगा, ठीक है। जिनको असाइनमेंट में अगर कोई डाउट है तो आप असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी पहले जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो बना करके असाइनमेंट सबमिट कीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास मुझे सबका असाइनमेंट नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, तो सबका असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है। चलिए, नेम ऑफ यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल में मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि 12th का थोड़ा लोड ज्यादा है, 12th के अभी दो दो बैचेस बन गए हैं, तो 12th के जो दो दो बैचेस बने हैं उनमें थोड़ा ज्यादा लगा हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग अभी वेट कर सकते हो, उनका बोर्ड है तो वो थोड़ा सिंसियर है, ठीक है। तो मैं एक से दो दिन में, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सारे आपके कोई भी वीडियो 11th क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं जैसे ही YouTube में वीडियोस अपलोड करूंगा एक दो दिन में, मैं आपको चैनल का नाम, वैसे श्री अर्जुना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के ही नाम पे चैनल का नाम है श्री अर्जुना कैरियर इंस्टीट्यूट, बट अभी 11th का जो है वीडियोस है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 12th के एक्चुअली दो बैचेस है तो उनके क्लासेस थोड़े ज्यादा चल रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलिए ओके ठीक है। गोविंद आपको कोई डाउट है कि आपने हैंड रेस किया है? नहीं, आई थिंक क्लियर, ओके चलो ठीक है, ठीक है। तो आज के का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी जो असाइनमेंट है वो बना करके सबमिट कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास सबमिट करते हैं, तब तक के लिए चलो एवरीवन बाय बाय।